चलिए आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वे एक बार हम अपनी जनता को दिखा देते हैं। श्रेयस सैयर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद, अगर हम बात करें तो आईपीएल के फाइनल में आमने सामने है। आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में खेले जाने वाले इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है। जाहिर है दोनों ही टीम फाइनल खिताब जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगी, लेकिन इससे पहले इंडिया न्यूज़ की टीम ने आईपीएल के फाइनल को लेकर एक सर्वे किया है, जहाँ हमने लोगों से सवाल किया है कि आईपीएल के फाइनल मुकाबले का विनर आपके लिहाज से कौन होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर 55% लोग कह रहे हैं कि विनर होगी कोलकाता नाइट राइडर्स। सनराइजर्स हैदराबाद जो है उसको लेकर लोगों का आकलन है कि 43% लोग ये कह रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो इस बार के विनर होंगे। कह नहीं सकते कहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 2%। इस पर हमारे साथ मनोज जोशी जी भी बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरा सर्वे का जो सवाल है केकेआर के अब तक के प्रदर्शन का असली हीरो कौन है, सुनील नरेन ये 27% लोगों ने कहा है, गौतम गंभीर ये 40% लोगों की तरफ से कहा गया, वरुण चक्रवर्ती ये 7% लोगों की तरफ से कहा गया, श्रेयस सैयर 21% लोगों ने कहा है, कह नहीं सकते ये कहने वाले लोगों की संख्या 5% है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि भाई क्रेडिट है तो किसको क्रेडिट जाना चाहिए। गौतम गंभीर को लेकर सबसे ज्यादा लोगों ने हामी भरी है। सनराइजर्स हैदराबाद के अब के प्रदर्शन का असली हीरो कौन है, अभिषेक शर्मा 50%, ट्रेविस हेड 9%, टी नटराजन 7%, पैट कमिंस 24%, कह नहीं सकते 10% लोगों ने कहा है। यहां पर क्रेडिट जो है वो अभिषेक शर्मा को जाता है। अब मनोज जी आपसे मैं जो ये तमाम इंटरेस्टिंग जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, जिसमें हमारे जनता की तरफ से जो सर्वे है, सर्वे दूसरा नंबर का सवाल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जब लोगों से पूछा गया कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए, गौतम गंभीर एक ऐसे आप कह सकते हैं कि कोच जो हम जो बहुत गंभीर दिखते हैं मैदान में, मींस अगर किसी भी तरह की चैलेंजेस उनकी टीम के सामने आते हैं तो मुझे लगता है वो मैदान में नजर आते हैं। ताकि साथ ही मैं भी जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सही उनका आकलन है, क्योंकि जिस तरीके से फिल सॉल्ट और सुनील नारायण को से पारी की शुरुआत करने का फैसला उनका था और सुनील नारायण ने इतने सारे रन बना दिए जो पिछले 5 उन्होंने आईपीएल में भी नहीं बनाए, और उसके अलावा विकेट चटकाने के मामले में भी वो अव्वल रहे, बहुत उनकी और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी बहुत कारगर साबित हुई, तो इसमें गौतम गंभीर का बहुत बड़ा योगदान है और साथ में उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेट के कोच चंद्रकांत पंडित का भी, और क्योंकि वो उनका सवाल इसमें नहीं था, लेकिन वो और गौतम गंभीर को आप एक तराजू में तोल सकते हैं, एक साथ हैं, एक पेज पर हैं और उसी का रिजल्ट आप सबके सामने है, क्योंकि यही खिलाड़ी जब लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जुड़ा था तो दोनों बार अपनी टीम को वो प्लेऑफ में ले जाने वाली टीम के वो मेंटोर थे, और यहां पर भी 2 बार वो कप्तान के तौर पर अपनी टीम को जिता चुके हैं, चैंपियन टीम के वो सदस्य रहे हैं और यहाँ पर अब फाइनल में पहुंचाया है टीम को, तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। इसके साथ ही मनोज जी, क्योंकि जो सर्वे में जीत और हार को लेकर सवाल किया तो ज्यादातर लोग ये कहते हुए नजर आए कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो जीत आज हासिल करेगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 55% आपने बताया ना कि इसका मतलब यह है कि मैच संघर्षपूर्ण होगा, 55 क्योंकि अगर वन साइडेड कहा गया होता उनके पक्ष में तो ये 70-30 का मामला होता या 60-40 का होता, लेकिन 55-45 का मतलब है कोई भी टीम जीत सकती है। सर्वे का जो नतीजा है वो यही है। मैं तो समझता हूँ कि एसआरएच के साथ भी बहुत लोग हैं जो भूले नहीं है कि ये अकेली ऐसी टीम है एसआरएच जिसने 2 मौकों पर पावर प्ले में 100 से ऊपर का स्कोर बनाया, एक मौके पर तो 125 रन बना डाले थे इस टीम ने, लेकिन इसके अलावा भी 6 मौकों पर दोनों ही टीमों ने जो है 200 का आंकड़ा पार किया और 3 मौकों पर तो 250 का आंकड़ा पार किया सनराइजर हैदराबाद ने, इसलिए उनकी भी संभावनाओं को खारिज नहीं किया गया, ये बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि आखिरी 2 मुकाबलों में जो इसी टूर्नामेंट में हुए हैं आईपीएल में, उसमें सनराइजर हैदराबाद को केकेआर की टीम हराने में कामयाब रही है, शायद ये एक उनको एज है और ज्यादा बैलेंस है और आंकड़े भी उनके पक्ष में। बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और सर्वे के सवाल हैं वो भी ले लेते हैं, क्योंकि आईपीएल 2024 का बेस्ट प्लेयर आप किसे मानते हैं, सुनील नरेन ये 13% लोगों ने कहा, अभिषेक शर्मा 12%, विराट कोहली 62%, जसप्रीत बुमराह 08%, कह नहीं सकते ये 5%। यहाँ पर जो लोगों की तरफ से मोहर लगाई गई है विराट कोहली को लेकर लगाई गई। अगला सवाल है आईपीएल के मुकाबलों से इंटरनेशनल मैचों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ा है,
फायदा हुआ है 38% लोगों ने कहा है, नुकसान हुआ है 17% लोगों ने कहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है ये भी 38% लोगों ने कहा है, और कह नहीं सकते ये कहते हुए नजर आए हैं 7%। अब मनोज जी, क्योंकि विराट कोहली को लेकर बेस्ट प्लेयर का जो कह सकते हैं कि बेस्ट प्लेयर के बारे में जब सवाल पूछा गया तो सबसे ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं विराट कोहली के नाम पर मुहर लगाए। इस आईपीएल में उन्होंने 8000 पूरे रन भी अपने कर लिए हैं आईपीएल के, और हमने देखा है पूरी वो सीरीज़ में ऑरेंज कैप पहन कर घूमते रहे। जी, क्योंकि कोई भी उनके आसपास भी नहीं है, अगर आप देखें तो अभी ट्रेविस हेड हैं, वो भी उनसे बहुत पीछे हैं, कोई खिलाड़ी अगर 200 रन करीब पीछे है तो आप T20 में तो 200 रनों की आप उम्मीद नहीं ना कर सकते। तो अब ऑरेंज कैप उनका मिलना करीब करीब तय है, एक औपचारिकता बाकी है, लेकिन क्योंकि जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा, जिस तरह से पावर प्ले में उन्होंने तेज आक्रामक अंदाज में जो रन बनाए हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है, और उसके अलावा जो उनका करियर स्ट्राइक रेट है उससे कहीं ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका इस आईपीएल में देखने को मिला है, 155 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट रहा, पावर प्ले में 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा, और आखिरी अगर 6 मुकाबले आप देखें तो वहां उनका 180 प्लस का स्ट्राइक रेट रहा। तो ये विराट कोहली तो ऐसे पहले कभी नहीं थे, ऐसे तो हमने कभी विराट कोहली को किसी भी आईपीएल में, किसी भी वनडे T20 के टूर्नामेंट में इस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, वो भी एक बार नहीं, एक बार फ्लूक हो सकता है, दो बार हो सकता है, लेकिन 6 मैचों में लगातार तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने जो स्ट्राइक रेट को लेकर जो तमाम आलोचनाएं चल रही थी, जो बड़े दिग्गज जो है उन पर सवाल उठा रहे थे, उनको उन्होंने अपने बल्ले से सही मायने में जवाब दे दिया है। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।